Bonjour, bonjour, mes étudiants, comment allez-vous? Achat, aujourd'hui, nous allons faire le test d'évaluation du français, épreuve de compréhension écrite, writing exam. Épreuve d'examen de compréhension écrite, writing exam. Exemple de questions, questions of example, example of the questions. Centre de langue française, French Center, et un petit body, jusqu'à recognize. Présentation de l'épreuve, presentation of the exam. L'épreuve de compréhension écrite est sous forme de questions à choix multiples. Exam, writing comprehension exam is under the form of questions with multiple choice. Ok, miss? Elle rassemble quatre sections. It's present, yeah, it is having four sections, ayant des objets différents et comprenant cinq questions. Yani char uske sections honge, A, B, C, D, aur uske andar totally jo aapke 50 sawalat honge, aapko MCQs mein se tick mark karna hoga. Theek hai? Ab, us section kya hai, ye unki detail hai. Section A, B, C, D. Section A, B, C, D. So section A basically difficulty increasing order के ऊपर बना हुआ है यानी अगर हम इसको इस तरह लें तो पहले sections में इन्होंने difficulty level को down किया दूसरे में B में जिसके 25 question उसको थोड़ा सा और high किया और 10 और इस तरह इस order में चल रहा है ताकि basically TEF जो design है वो बिल्कुल बिल्कुल जिसको language नहीं आती है कोई restriction भी नहीं है कोई भी बैठ जाए उसके अंदर ठीक है अपनी लैंग्वेज को ये एक एक्चुअली सर्टिफिकेशन से ज्यादा बस ये एक आपकी नॉलेज स्किल्स का जो है पैरामीटर है जिसे आपको चेक करते हैं तो उस इसी ऑर्डर में इसको बनाया गया अब पहले सेक्शन ए में राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो 50 सवाल आते हैं सारे आप काउंट करेंगे डेफिनेटली दिस शुड बी 50 क्वेश्चन ठीक है सो डेफिनिर ला नेचर ला फंक्शन ए लेस इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल दन डॉक्यूमेंट सिंपल क्वा ऊ पूर की दन केल बूट इस यानी सेक्शन ए में जो 10 सवाल आएंगे आपने आई मीन सवाल से मेरा जो राइटिंग टेक्स्ट आपके पास आएंगे क्योंकि राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुताल्लिक है तो इसके अंदर उसमें उसके आंसर को आपको देते हुए क्या चीज ध्यान में रखनी है डेफिनी वाला नेचर यानी डिफाइन द नेचर कि वो किस किस्म का उसकी नेचर है टेक्स की फंक्शन फंक्शन क्या है यानी वो किस मकसद के ऊपर इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर पर अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं अगर बाहर है आपने बोर्ड रख दिया उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रेशर हॉर्न इज नॉट अलाउड तो वो आपको समझ आ जाएगा कि ये पार्क में नहीं होगा ये सिनेमा में नहीं हो सकता ये हॉस्पिटल ही पर होगा ठीक है अच्छा तो ये तो हो गया कुआ यानी क्यों वर्ड उसका ऊ का मतलब वेयर यानी वो कहाँ रखा गया तो ये भी एक आपको जो मतलब ये सेंस होना चाहिए कि ये बोर्ड जो है या मतलब ये यहाँ होना चाहिए फला वहाँ होना चाहिए वगैरह वगैरह तो उसके बाद पुख की For what is the reason for this? उसके बाद donkel budia what is the aim for? ये हो गया अच्छा TEF में basically language का इस्तेमाल बिल्कुल है वो आपकी oral production में होगा जब आप दो text आपको लिखना पड़ेंगे एक तो उसके अंदर हो गया language जो हमने सीखी उसके अलावा दूसरा जब आप examiner के सामने बैठेंगे इसको oral production कहते हैं यानी उससे आप dialogue करेंगे जो भी topic होगा choose करने के बाद तो इसलिए language जरूरी ज्यादा मगर जो TEF का जो मैंने नोट किया उसमें ये है कि TEF जो है नॉलेज बेस्ड टेस्ट है नॉलेज बेस्ड टेस्ट इस तरह कि इसके अंदर एक तो कल्चरल इंटीग्रेशन बहुत है उनकी अगर आप कनाडा के लिए कर रहे हैं तो मे बी क्यूबेक का और मॉन्ट्रियल का और ठीक है और यूरोप का ठीक है और ग्लोबल जो फैक्ट्स हैं उसकी बड़ी यानी नॉलेज और कल्चरल बेस्ड नॉलेज स्पेशली आपको होनी चाहिए इस टेस्ट को करने डिड यू गेट द पॉइंट ठीक है सेक्शन जे कॉम्प्रिहेंशन है ना ये बेसिकली रीडिंग नहीं नहीं ये राइट एक मिनट रुक जाए कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली इसके अंदर आपको टेक्स्ट दिया होगा वो देख के आपने राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी जो लिखा हुआ है वो कितना आपको कॉम्प्रिहेंड हो रहा है वो समझ कितना आ रहा है ये टेस्ट होगा आपका ठीक है ना तो अब देखिए ये नीचे ये समझ आ जाएगा जी मिस मैं ये कह रही थी कि जो राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है बेसिकली वो तो एस्से राइटिंग एप्लीकेशन राइटिंग वो उस फॉर्म में आता है ना वो नहीं राइटिंग होता है
नहीं वो राइटिंग देखें यहाँ पर ये कि जो राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो राइटिंग प्रोडक्शन होता है फ्रेंच के अंदर, उसमें आपकी राइटिंग प्रोडक्शन देखी जाती है, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। तो अभी हमने जो टेक्स्ट अभी जो मैंने शुरू किया है उसको बिल्कुल एज इट इज टिक मार्क कर लें, और ये हाँ मैं आपको जो है वीडियो भी दे दूंगा जो है ना कॉम्प्रिहेंशन। एक से चार सेक्शन में से हमने फर्स्ट शुरू किया जिसको सीई शॉर्ट में कहते हैं, या राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ओके बाकी जो सेक्शन आएंगे मुझे पता है थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, वो हम बाद में कर लेंगे। अच्छा 25 सेक्शन बी में, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, कुम्फन और दक्यूमो देताई कुम्फन देजाफावासियों के लिए, यानी टू अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल, कुम्फन देजाफावासियों के लिए की इंफॉर्मेशन आपने इसमें से मतलब ये कि इसको देखनी, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए आपके पास और की इंफॉर्मेशन। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस होंगे, कंपोंड ऑर्गेनाइजेशन ए ला लॉजिक द टेक्स्ट, अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लॉजिक ऑफ द टेक्स्ट। इसके अंदर आगे सेक्शन डी में कंपोंड ऑर ले सों जनरल द्यून फास वो पूरे मुद्दे ने जो इन से कौन से बुक ले वी जस्ट हैव ए टू मिनट। अच्छा क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर डी में सेक्शन दे क्वेश्चन सांग कंपोंड लेसन जनरल डी इन फॉर, इसके अंदर आपने जनरल सेंस समझना, ठीक है। अब आ जाए जी ये जो लिपफ लिपफ डी कॉम्प्रिहेंशन इक्रिट डी टीओएफ रिपोज सर डिफरेंट टाइप सपोर्ट, यानी जो इन टेक्स्ट की जो अभी आगे आएंगे उसकी थीम क्या होगी, या उसको आप सिंपल जबान में बोलो किस तरह के टॉपिक्स में से या किस तरह के चीजों में से लिए जाएंगे जो आपको राइटिंग टेक्स देंगे आगे करने के लिए। तो वो पब्लिसिटी यानी कोई भी पब्लिसिटी ऐड हो सकती है। अब जाहिर है उस पब्लिसिटी ऐड को वो अकॉर्डिंग टू द कल्चरल होगी, यूरोप की मॉन्ट्रियल की या क्यूबेक की, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद ग्राफी का अंत कहते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटेड होगी ग्राफिक्स हो सकता है, प्रति टोनोंस कहते हैं बेसिकली इश्तिहार को, ठीक है, इश्तिहार जो छोटे छोटे से आपके इश्तिहार होते हैं, फास रेफॉर्म्यूले या कोई फ्रेसिस होंगे टू रीफॉर्म्यूलेट उसको करना होगा, कुरिये दे लेक्चर या आपके जो लेक्चर्स होते हैं मुख्तलिफ उसकी कोई कटिंग होगी, आर्टिकल प्रेस या कोई प्रेस का आर्टिकल्स होगा, टेक्स्ट डाउनलोड डिसऑर्डर या कोई टेक्स्ट डिसऑर्डर में होगा, ठीक है, और टेक्स थ्रू या कोई ऐसा टेक्स होगा जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीज होगी, ये इस क्राइटेरिया टेक्स में जो इस यानी राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको आ सकते हैं इस तरह। अच्छा पूर्वू फैमिलियरिजे अवेक सेट अपर दते वेब ले सेंटर द लैंग फ्रांसेज वुड प्रपोज एग्जांपल दी क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि जी टू यू इन ऑर्डर टू यू फैमिलियराइज विद दिस एग्जाम ऑफ टीईएफ the French language center you propose you the example of the question, but then unhone kaha attention si n'est pas un test complet, attention ye complete test nahi hai, so livre propose quelques exemples pour vous familiariser avec le format de TOEFL, les questions proposées ne reflètent pas la difficulté réelle du test, मतलब इन्होंने अटेंशन कराई कि ओरिजिनल टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मेट समझाने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है, और बाकी आखिर में जो है इस डिफिकल्टी लेवल इससे इजी भी हो सकता है और इससे टफ भी हो सकता है, ठीक है, ये बताया। अब देखें सेक्शन ए जो हमने बताया था कि राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ए में किस तरह के, अब ये एक टेस्ट आ गया, दोनों से सेक्शन vous prendrez connaissance de deux documents et vous répondrez aux questions correspondantes, in this section you will have the knowledge of the two documents and you will reply to the corresponding questions, any one of the questions on this only text on the sita d'un arbre lutter contre l'effet de serre crier des forêts avec 5 euros chaque citadin pour offrir un arbre à pays victime de déforestation. OK? Pour participer, www.uncitoyenunarbre.com. Alors, après, il y a un document qui est
सवाल क्या है जी? सो डॉक्यूमेंट ए दिस डॉक्यूमेंट इज नंबर ए एन आर्टिकल डू जर्नल आर्टिकल ऑफ अ न्यूज़पेपर, मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं है। इन ब्रोशर टूरिस्टी टूरिस्टिक ब्रोशर है कोई, आई डोंट थिंक। इन इनविटेशन स्पेक्टाकल या कोई स्पेक्टेटर थिएटर रूम का कोई इनविटेशन है, आई डोंट थिंक। एंड डी जो है इन पब्लिसिटी टू इन एसोसिएशन, पब्लिसिटी फॉर एसोसिएशन। सो व्हाट कुड बी योर आंसर? डी फॉर डॉग। यस Yes, I'm with this. Definitely, this should be the answer. ठीक है, D is the correct one as far as I know. अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने किस तरह आपने D इसको किया, जरा सा मुझसे please can you share the ideas? Sir, इसमें जो सवाल quiz ये थे MCQs जो दिए हुए हैं उससे ही relate करके देखा कि पहला MCQ का कौन से A, तो ये बोल रहा है कर्नल का आर्टिकल है, तो आर्टिकल तो कभी भी तरीके से नहीं लिखा जाता है, फॉर्मेट ही नहीं आर्टिकल है। ठीक है, ब्रोशर है तो टूरिस्टिक ब्रोशर होगा, तो उसमें जगह की डेफिनेशन होगी, उस जगहों के बारे में बताया हुआ होगा कि ये टूरिस्टिक प्लेसेस है, ब्रोशर में सारी वो भी नहीं है इसमें, आर्टिकल इन्विटेशन भी नहीं है कोई, यही बचता है कि ये एक एसोसिएशन है जो कि डिफॉरेस्टेशन पे काम करेगी और ये जबरदस्त। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड योर अप्रोच। तो अगर आपने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली अप्रोच रखी तो डेफिनेटली इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग योर टारगेट गोल। तो आपने क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट देखना है और जब इस टेस्ट को करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर पहला जो जिसका जो बिल्कुल इररेलीवेंट है उसको हटाना है। अब आपने जैसे जी न्यूज़पेपर का आर्टिकल बड़ा ही इररेलीवेंट था, क्योंकि न्यूज़पेपर का आर्टिकल इस तरह नहीं हो सकता, या दूसरा जो है किसी थिएटर का इनविटेशन भी इस तरह का नहीं हो सकता। तो ये इस ऑर्डर में आप चलेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ये मतलब ये कि आपको इजी होगा। अब इसको कुछ अल्फाज थोड़े से देख लेते हैं कि अन आर्ब वन ट्री ल्यूटे कॉन्ट्र ले फे दे सेर, यानी ल्यूटे मीन्स टू वॉर, यानी जंग कीजिए अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ द जो भी एटमोसफेयर है माहौल है। क्रिएट द फॉरेस्ट, जंगल लगाइए वगैरह। अवेक संक योगो, पांच यूरो के साथ शख्स हर शहरी एक दरख्त अपने कंट्री को ऑफर कर सकता है विक्टीम विक्टिमियों विक्टीम ऑफ डिफोरेस्ट्रेशन। पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ, सो यू गॉट द राइट वन। अच्छा, अब उसके बाद इल पर्पस द बॉन्ड Désordre. अब ये इन्होंने क्वेश्चन दिया इल प्रपोज, वो क्या बेसिकली प्रपोज कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में दू वॉन्ड डेजर्ब, दरख्तों को बेचना चाह रहे हैं। डिकूवरिर अ पेई, कोई कंट्री को तलाश करना चाह रहे हैं। दू फेयर अ डॉन डार्जों, या मनी का क्या कहते हैं उसको, आई मीन डोनेशन कर, डॉन कहते हैं फ्रेंच में डोनेशन का, डोनेशन करने का बोल रहे हैं। या दू गां कॉन्ट्रे दे पर्सन, या लोगों को मिलने के इसमें प्रपोज किया जा रहा है। सो आपके ख्याल में क्या है, जरा प्लीज मुझे बताइए। सी फॉर कैट। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू हैव टेस्टियों, लेट मी सी। दू फेयर अ डॉन डार्जों, यस। बेसिकली यहां से हमें पता लगा दू फेयर अ डॉन डार्जों के ईच सिटीजन कैन ऑफर अच्छा, तो यहाँ से हमें पता लगा कि जी ये डोनेशन हम इसको दे सकते हैं। तो यू आर डन विद नंबर वन। सो अब इसमें मैं थोड़ी सी एडवाइसेस आपको ये करूँ कि लेट मी हेलो ऑन ए क्वेश्चन ऑन ए सर ला क्वेश्चन थ्री आ सांग, वी आर ऑन द क्वेश्चन फ्रॉम थ्री टू फाइव। ठीक है जी, कैन यू रीड दिस एंड जस्ट गिव मी सम आइडिया and try to do it actually yourself the whole portion. Okay. Vous êtes notre meilleur client. Reverse vous offer un séjour de Thalasso à Mont Tremblant ou Quebec. Donnez
पर दो दो पक्षों ये सर इसके अंदर किसी उसका बता रहे हैं शायद होटल की किसी नाइट्स का बता रहे हैं कि टू नाइट्स पर पर्सन है और कोई ट्रैवलिंग है टुवर्ड्स मॉन्ट ट्रेम्बलेंट क्यूबेक के अंदर बस बासे दियो एक्सटेरियर ए बेगने ए रिवर बेन स्कैंडिनेव अमाम योक थर्मेल इसमें दे आर सेइंग कि दे आर ऑफरिंग दीज एक्टिविटीज देयर लाइक रिवर रिवर का कुछ है और हमाम है ओके फाइन अब जस्ट माय कंसर्न इज दैट व्हाट इज द गुड ऑप्शन फॉर यू इन क्वेश्चन नंबर 3 ओके डांस अ डॉक्यूमेंट दिस डॉक्यूमेंट इज अबाउट ऑन दक्रीत अन ओताल ऑन दक्रीत यून रिजियों ऑन अनाउंस ऑन कैदियो ऑन अनाउंस यून प्रोमोशन प्रोमोशन So which one is the good answer according to you? सर इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे ए है या डी है होगा दोनों में से बी और सी तो नहीं है I try to make you understand what is the correct answer. अच्छा देखिए vous êtes notre meilleur client. You are our best client. So this sentence give us some hint. ठीक है उसके बाद we were vous offre un séjour de Talasso à Mont Tremblant au Québec. Yani one stay of Talasso name of the place at Quebec. ठीक है Deux nuits pour deux personnes, two nights for two persons, bassin d'eau extérieur et de baignade en rivière. The bassin, exterior bassin, and the baignade is to swim, karna, nana, terna, wagera, in river. Bain is Scandinav, yani is Canadian bath, hammam, wagera, or thermal, okay? Plus a sua au choix. ठीक है सो प्लस वन मल्टीपल केयर है पीरियड द वैलिडिटी पीरियड बी टेल समथिंग अस ठीक है आर यू विद मी यस यस अच्छा दो मार्च जून और वैकेंस स्कूलर ए जूर फेरिए तो अब इन्होंने बताया छुट्टी के बारे में लिखा इस दिन ये अवेलेबल हो सकता है अच्छा अब देखें यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या है दोनों से डॉक्यूमेंट देखिए अन होटल अगर होटल होता तो यकीन इनको एड्रेस वगैरह लिखा हुआ होता पर आई डोंट थिंक इज देयर एनी एड्रेस हाना कोई एड्रेस नहीं है अच्छा नंबर बी और दिखी उन रीजियों रीजन डिस्क्राइब करने के लिए ये सेंटेंस तो होता ही नहीं कि यू आर आर बेस्ट क्लाइंट ठीक है उसके बाद या चले अगर ये भी होता मगर रीजन डिफिनेशन का नहीं है इसमें कोई और पिक्चर होती ठीक है इट्स लुक्स लाइक प्रमोशन है प्रमोशन ठीक है आगे चले कादो कहते हैं गिफ्ट को मुफ्त में जो चीज दी जाए प्रमोशन कोई गिफ्ट वगैरह अच्छा उसके बाद प्रमोशन तो ये बेसिकली यहाँ पर जहां तक मेरा ख्याल है सी इज द राइट आंसर इसका ठीक है बेसिकली दे आर अनाउंसिंग इस सेंटेंस से हमें पता लगा कि यू आर आर बेस्ट क्लाइंट और कहीं पर भी इसमें कीमत का नहीं लिखा हुआ है कॉस्ट कहीं पर भी नहीं दी है ठीक है अगर कॉस्ट होती तो हम इसको कर समझ सकते थे कोई होटल है कोई प्रमोशन है प्रमोशन भी जाहिर है कॉस्ट रिलेटेड तो होती है ठीक है ना तो इसमें कॉस्ट लिया था इसका जो ये गिफ्ट है फ्री बेसिकली क्लाइंट को वो ऑफर करते हैं कोई चीज कोई जैसे कोई पिकनिक प्रोग्राम होता है प्लान वगैरह तो इसका सी इज द राइट आंसर अच्छा अब नंबर सी फॉर कैट अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है से डॉक्यूमेंट पर्पस ये डॉक्यूमेंट्स प्रपोज कर रहा है दे कुक्स डोनेटेशन स्विमिंग के कोर्स प्रोफेशन करने की तो मेरा ख्याल तो कुछ नहीं है दे विजिट टूरिस्टिक या टूरिस्टिक विजिट्स के लिए कोई मतलब वो है इसके अंदर यानी कोई ऑफर है या कोई टूरिस्टिक विजिट इन जनरल टूरिस्टिक विजिट नहीं है अच्छा अब आ जाए उसके बाद un séjour de relaxation, a stay of a relaxation.
रिलैक्सेशन, ठीक है, अच्छा देखते हैं उसके बाद ने, या कोई रेसिंग हाइकिंग के लिए आउटिंग के लिए कोई प्लान है हाइकिंग जिसके अंदर वो पहाड़ों पे चढ़ना हो, तो आप क्या समझती हैं क्या कौन सा इसमें होना चाहिए सेक्शन नंबर फोर के, क्वेश्चन नंबर फोर के करेक्ट आंसर? सी होगा सर, सी फॉर कैट। वेरी नाइस, हां सेज जो रिलैक्सेशन इसी होगा। अच्छा अब बताने का मकसद ये है कि देखें इस तरह के टैक्सेस हैं आपने दो चार और इस तरह के बिल्कुल इसी नेचर के, ठीक है, दो तीन गूगल पे जाके और चेक कर लिए कि जी रिलैक्सेशन या कोई प्रमोशन इस तरह के टैक्स किस तरह के होते हैं फ्रेंच के अंदर, ताकि आपको एक आइडिया हो कि अगर ये नहीं एग्जैक्टली आ रहा तो तकरीबन इसी डिफिकल्टी लेवल का इसी तरह का कोई दूसरा आ सकता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर फाइव प्लीज पढ़िए। एल ए वलेब्ला वलाब, 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 ए इज यूनिक कमो, यानी इट्स ये वैलिड है, आप समझ लें वैलिड है कब तक, यहां से इसका आंसर मिल जाएगा आपको इस पोर्शन में से। ओके हाँ जी, सो यूनिक कमो इन द लेवा कॉन्सिस को ले यूनिकली ड्यूरिंग द स्कूल वेकेशंस, ठीक है, पढ़िए पढ़िए मुझे जवाब दीजिए प्लीज। ओके यूनिक मो पोंडो ले वकॉन्सेस कोलियो टू ले विका विकॉन अ पार्टी दुमुआ द जून अ टूट मोमो अ कंडीशन द रिजर्वे अवा जियों एंड दे होल द वकॉन्सेस कोलियो एट द जो स्पेरिस। अच्छा पहले ऑप्शन का चलेंगे, अच्छा अच्छा सॉरी यहाँ से आपको नजर आ जाएगा ये ये स्कूल वेकेशन से तो हो ही नहीं सकता, ऑफ का मतलब आउट ऑफ स्कूल वेकेशन, ये चीजें नहीं होगा, मार्च और जून वाला होगा, मार्च और जून वाला जो ऑप्शन है, ठीक है इनमें से। अब देखिए मैंने ये एक नजर प्लीज, अच्छा यूनिकली ड्यूरिंग द स्कूल वेकेशन, तो ये तो इधर से डिनाई हो गया ना कि स्कूल वेकेशन का नहीं। नंबर बी टू ले वीकेंड अ पार्टिर दु मुआ दी जून एवरी वीकेंड, तो वीकेंड की भी कोई कहानी इधर से नजर नहीं आ रही। नंबर सी में आ जाए टू मोमोआ कंडीशन अवं जो हर वक्त हो सकता है जून जून की रिजर्वेशन से पहले, सो दु मार्क्स अजुआ नहीं मार्च पहले आता है जून से, ठीक है, तो हमारे पास ये डी बचता है और देयर्स दे वैकेंसीज को ले एट जून फरवरी, यानी आउट ऑफ स्कूल वेकेशन जो अल्फाज यहाँ लिखे हुए एग्जैक्टली वही आंसर यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको इस तरह करना पड़ेगा। अब आ जाए सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर vous prendrez connaissance de trois documents et répondez aux questions correspondantes. In this section, you will take the knowledge, you will be knowing three documents and you will be responding to the following questions, 6 to 8. Nouvel album de Alicia Cruz, local après la tempête. Yeah. Now, थोड़ा सा उन चीजों से थोड़ा सा tough हो गया। अब हमने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, durant les 7 années qui ont vu Alicia Cruz passer d'ancienne candidate rebelle dans les télé, so उसके बाद during the 7 years who have seen Alicia Cruz passer old candidate rebel वगैरह वगैरह, अभी सारी वोकैबुलरी थोड़ा सा टफ आ गई। अच्छा खुश दाखी ये आपने पूरा एल्बम इसका पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद cet article présente une chanteuse qui, this article present a singer who, so अब थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएं मुझे ये पढ़ें इस पहले वाले आर्टिकल्स को, मतलब इसको टेक्स्ट को, मुझे थोड़ा सा बताएं क्या हो रहा है। ओके प्रशांत आर्टिस्टिक पॉपुलर ऑन albums a été marqué par sa relation avec Maxime Bazin.
Leshantiog, the group, Renesiros, Thomson, Ex Pompenon, Els, Entore, Entore, Don Monte, Ule, Instrumo, Enchante, Vibraphon, Ski, Musical, Clochet, Ukulele, Incarnate, Tut, Unbestiaire. Set article present un chantez q. This article present a singer. Okay, change radicalement the style. Utilise des sons électroniques novateurs pour suivre sa collaboration avec un groupe célèbre selon de ses influences artistiques procedentes. Change radical mode of steel. ठीक है. हाँ, कुछ आया एक क्वेश्चन सिक्स का कोई आंसर आपके जहन में आया? पोस्टर देख रही हूँ मैं. रिलीज देख सॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक. बी लग रहा है और Poursuivre sa collaboration avec un groupe célèbre. Okay, चले ठीक है, आप देखते हैं थोड़ा सा आर्टिकल, हम इसको थोड़ा सा यानी अंडरस्टैंड करके देखते हैं क्या है. दोनों से ताने की ओं व्यू अलिसिया क्रिस पासे डांस कियन कैंडिडेट रुबेल दातेले कोश आर्टिक्स पॉपुलर. इसके 7 ईयर्स की बात हो रही है जो कि मतलब हमने देखे इस तरह इसके ओल्ड कैंडिडेट रेबेल और प्रोग्राम के नाम पॉपुलर प्रोग्राम देखे लो सॉन्ग जिससे एल्बम आए थे मक पासे रिलेशन अवेक माजिम. अच्छा, द साउंड ऑफ हर एल्बम हैज बीन मार्क्ड बाय द रिलेशन विद मैक्सिम बाजी बंदे का नाम है लो शांतियो द ग्रुप Rhinosaur, the singer, जो के singer of the group Rhinosaurs का है, नाम है Rhinosaur, comes on ex-champion, champion, like his ex, जो है वो companion, आप कह रहे हैं, elle s'est retrouvée dans un monde où les instruments ont échanté, yani she's found herself in the world of instrument, एशांते म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एशांते मीन्स जो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत खुश हुई. ठीक है, क्या क्या है वो सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं. विब्राफोन, सिक्स म्यूजिकल, क्लोटे, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, उसके बाद सौ का थियम ऑफ्यूज इज फोर या हर फोर ऑफ्यूज लोकाल मक्फेल कॉम्फेल यानी द पीस आफ्टर द थंडर. So, des taches en dessous de cela et fine across son style. Just you will have to see like this, and now we come on to the sixth setakti because we will not be having enough time to read. Just we'll have to go through whatever we can understand because you have limited time. Yani suppose that for 50 questions, hardly you will have 60 minutes. 60 minute में ये सारी चीजें करनी है. ठीक है, सो बस ये आपने go through किया जल्दी जल्दी से setakti presentation शांति उसकी. ये आर्टिकल जो है प्रेजेंट करता है एक सिंगर को जो के अब आगे चले शौन रेडिकल जिसका रेडिकली लेट मी कवर द ऑप्शन देन आई कैन से. अच्छा, चेंज जो रेडिकली चेंज हो गई है आई डोंट थिंक यू रिलीज दिस सॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक नोवाते ऑफ कभी मुझे कुछ नहीं पता लग रहा पुर्सिवी सा कोलैबोरेशन अवेक अन ग्रुप सेलेब्र loin de ses influences artistiques précédentes. This can be the right answer. Quantum, sir? He is the right answer for this question. D for dog.
डी कैसे होगा सर आंसर इसका क्या मीनिंग है डी का सेल्वान दिस इज इन्फ्लुएंस टू यानी शी पुट हरसेल्फ अवे ऑफ द इन्फ्लुएंस प्रेजेंट प्रीवियस स्टाइल से उसने अपने आप को चेंज किया अब इसके टाइटल से भी आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोकल अफेला कंपेयर यानी द पीस आफ्टर द थंडर तो इस डी इज जो है वो मतलब मुझे सुइटेबल लग रहा है अच्छा अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हु कंपोजेस ए शैंसन एल से इंस्पिरे टू कंपोज दीज सॉन्ग्स यानी जो भी उसने एल्बम सॉन्ग्स अपने बनाए एल से इंस्पिरे वो इंस्पायर हुई किससे द देश से द पश किसी रिलेटिव की डेथ के ऊपर क्वेश्चन नंबर बी आप करें प्लीज ठीक है अब मैं इन सवाल को थोड़ा सा आपको बताऊं यानी ये हमने बता दिया कि इंस्पायर हुई दैसे द फर्श किसी रिलेटिव की डेथ के ऊपर बी ए दूसरा होच्यू अमेरियोस या यानी उसकी जो लव स्टोरी थी उसके अंदर कोई गच्चियो यानी कोई प्रॉब्लम आया उसकी वजह से जैसे सुवनीर दाफोंस या अपने बचपन की मेमोरीज की वजह से या दूसरे डेब्यू दोनों मेतिए या कोई अपने प्रोफेशन की स्टार्टिंग की वजह से तो आपको ये सारा आपने पढ़ा तो इससे कुछ अंदाजा हुआ आपको कौन सा राइट आंसर हो सकता है You can guess just जो भी आपके समझ में आ रहा है ना उसको ए तो नहीं हो सकता सर ए तो नहीं है बी हो सकता है very nice you picked up B हो सकता है बताया था ना वो relationship की बात की थी बस इसी तरह आप यार देखें for a non native is really difficult to get the 100% literal meaning of the word I don't believe someone said that being a non native he said that I am the 110% fluent like bilingual it's impossible okay because we don't have your atmosphere me I learned all the vocabulary but me also myself missed the vocabulary time to time okay because hamare ird gird mein sari cheeze nahi hai to uski wajah se hum isko but ye ki I can easily understand the sense of the given text or talk while I listen audio video newspaper मैं कह रही थी की वर्ड्स होते हैं ना इसके अंदर हर पैराग्राफ में ना की वर्ड्स होते हैं उन की वर्ड्स में से ही करके आंसर बनाना आंसर ढूंढना पड़ेगा अब वो कीवर्ड किन किन जगहों पे होते हैं ज्यादातर जो है कीवर्ड एज आई नोटिस इन द टाइटल में ठीक है और लास्ट की आखिरी दो तीन लाइन है और फर्स्ट पैराग्राफ बाकी बीच में ब्ला 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 होता है ठीक है तो इस तरीके इस ऑर्डर पे आप चलेंगी बट बाय द वे वेरी गुड एफर्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम देखें दिस इज द लास्ट वन देन वी will move to the another things acha ab question number 8 mein hum isko dekhe hain elf proposed a album kya wo koi album propose kar rahi hai nahi but she is proposing album basically ab this question means actually autant émouvant à l'ambiance sombre au accès de révolte à l'atmosphère légère ठीक है आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या आपको समझ आया सर पहले वाला तो एमोवेंट का मतलब ही नहीं पता है मुझे क्या है एमोवेंट ओ तो एमोवेंट एमोवेंट इज कैन बी समथिंग न्यू और समथिंग व्हिच कैन बी टच बाय टचिंग इसको कहते हैं एमोवेंट लेट मी कंफर्म नो प्रॉब्लम आई कैन कंफर्म एमोवेंट सो अच्छा बट यू रीड मीनवाइल यू रीड द आंसर प्लीज यू गेस द आंसर एक्चुअली एंबियंस सोम्बर ये तो इसका मतलब तो ये होगा कि पीसफुल एंबियंस ठीक है आई वाज राइट एक्चुअली एमोवेंट इज टचिंग वगैरह सो अब हम इसको कर सकते दूसरे का एंबियंस सोम्बर या डार्क एंबियंस इंग्लिश का वर्ड भी है डार्क एंबियंस ठीक है उस अक्सर डू रिवॉल्व सॉरी Aux accents de révolte, il y a révolte, est-ce qu'il y a quelque chose
वाला एटमोसफियर वाला एशिया का बड़ा लाइट एटमोसफियर है. सो फ्रॉम मी आई थिंक इज द ए टचिंग है, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस. सो लेट मी स्टॉप दिस, वी कैन.